ठीक है, सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग, और जो रात को वीडियो देख रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टूर है वो हम करेंगे बर्लिन के ज़ू का। अब डेफिनेटली एक यूरोप का ज़ू है तो उसका भी स्टैंडर्ड तो होगा, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर आ गए हैं ज़ू के पास। तो ये एक लंबी लाइन में लगने के बाद हमें मिलेगी एक टिकट 17 यूरो की, जो कि नॉर्मली काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तकरीबन 5,000 के करीब। और अब हम ये आ गए हैं बर्लिन जू के गेट पे, और दोस्त मेरे गए हुए हैं टिकट लेने के लिए, तो ये टिकट आ गई। तो चलते हैं जू में। अब मैं इसमें इस वीडियो में कोई भी म्यूज़िक वगैरह नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उससे नेचुरल फील नहीं होगी वीडियो, जिस तरह लोग बातें कर रहे होते हैं या फिर जिस तरह चल फिर रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ नहीं आएगा। अब ये एलिफेंट, ओ सॉरी, ये वाला एलिफेंट है, ये स्टार्टिंग पे ही इन्होंने दिखा दिया हमें, तो हमने देख भी लिया। तो अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता जू की जानिब। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वो भी कर दीजिएगा। साथ साथ मैं आपको चीज़ों को याद भी करवाता जा रहा हूँ कि यार यहाँ के ज़ू की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो नज़र आई थी वो ये हिप्पो बे था। और हिप्पो बे एक ऐसा जानवर है, हिप्पो, जो कि पानी में भी रहता है और खुश्की पे भी रहता है। कोई शोर नहीं कर दे। हिप्पो तो आपको दिखा दिया, अब उसमें बहुत ज़्यादा शोर था बच्चों का। बच्चे तो फिर एंजॉय करने निकलते हैं घर से, तो फिर उन्होंने तो शोर करना ही होता है, फिर भी पाकिस्तानी बच्चों से थोड़ा कम ही करते हैं। तो अब भी ये उन्होंने बच्चों के स्पेशल खेलने के लिए जगह भी बनाई हुई है, ट्री हाउस वगैरह बना के दिए हुए हैं, और पूरा ट्रेडिशनल एक उन्होंने सेटअप सा तैयार किया हुआ बच्चों के लिए। तो ये भी देखते हैं हिप्पो। हिप्पो यार, उसका तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने का, क्योंकि जैसे जानवर को एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है, उसी तरह इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह पानी में भी वो आ रहा है, वो बाहर भी जा रहा है, उसको फुल वही चीज़ प्रोवाइड की हुई। हाँ जी, ये हम जा रहे हैं, छोटी सी एक कोई गार सी है, पता नहीं ये कहाँ पे निकलेगी। अब तो आगे जाके देखते हैं। तो इसके आगे यहाँ भी इस वीडियो में पेंगुइन वगैरह भी देखने को मिलेंगे, और एलिफेंट सील भी हम देखेंगे, वो भी बहुत मज़े की है। तो सुना हुआ है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं पानी में, तो एक नेचुरल और बहुत क्यूट सा मंजर देखने को मिलता है। अब ये पेंगुइन आ गए हैं, पेंगुइन पानी में भी जाएंगे अभी, देखते हैं। ये भागा भागा आ रहा, मुझे लग रहा है इसमें चले जाओ। तो ये गया पानी। अब ये बड़े प्यारे लगते हैं, और इस तरह का जू पहले नहीं मैंने देखा कि जिसमें इस तरह जो ऐसे जानवर जो कि वाकई में कहीं पे भी उनको रखना बहुत मुश्किल है, उनकी लाइफ साइकिल को मैनेज करना तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, तो इस जू में है। अगर किसी का प्लान हो घूमने का तो डेफिनेटली बर्लिन जो एक अच्छा जू है।
आ गई एलिफेंट सील। एलिफेंट सील बहुत मज़े का जानवर है, खेलना इसका काम है और खेलते रहते हैं। और इसको भी मैं देखूंगा जाके, वहाँ पे वो ग्लास वगैरह है छोटा सा ना, उस वहाँ पे नीचे जाके देखूंगा कि पानी में से ये किस तरह के लगते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा खेल रही हैं, तो देखते हैं। देख के आते हैं कि पानी में किस तरह का लगता है। अभी ये सारे ऊपर चढ़ गए हैं, अभी मैंने मस्ती करनी है यहाँ पे भी। आवाज़ें देखें, इनका काम ही है, शोर नहीं कर रहे, शोर करते रहते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या मसला है इनको। खैर हम भी यही देखने के लिए आए हैं। तो पहले हमने जो पेंगुइन देखे थे वो पेंगुइन थे जो कि गर्मी वगैरह में भी रह लेते हैं, और ये पेंगुइन ऐसे हैं जिनको एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए जो कि काफ़ी लो होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। जानवर है कि जिनको देखने के लिए रियल में बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़े, मे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में जाना पड़े, तो उन्होंने एक ही जगह पर उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये आगे जंगली भैंस है, और इनको भी पूरे इन्होंने घर बना के दिए हुए हैं, ट्रेडिशनल जिस तरह के होते हैं जंगलों में, या जिस तरह उन्होंने रखे होते हैं जंगली जानवर रखने के लिए। अभी ये आ गया है ज़ेबरा, और ये तो सारे जो जितने भी ज़ू हैं उन सब में भी मिल जाता है ज़ेबरा। इसके भी स्पीशी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, तो ख़त्म नहीं हुई। अब हम थोड़ा बच्चों को भी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और इधर उधर सारा देखते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरह घूम फिर रहे हैं, किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, ये भी थोड़ा बहुत देखते हैं। अभी तक तो जानवर ही देखते आ रहे थे, खैर ये भी जानवर है लेकिन इंसान है हमारी तरह। तो अभी इस वीडियो में अभी हम और देखेंगे, शेर देखेंगे जो कि हर जगह पाया जाता है, मतलब हर जंगल में पाया जाता है और हर जू में भी आपको देखने को मिल जाता है। वो देखेंगे, टाइगर देखेंगे, और मंकीज़ की बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा कैटेगरी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है मंकीज़ की, क्योंकि ये जो अफ्रीका और ये इस तो इनके जंगल जंगल हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी स्पीशी पाई जाती है। यहाँ पे ये आवाज़ें आ रही हैं, और मेरे ख्याल से ये आवाज़ें टाइगर की हैं, और टाइगर को देखते हैं कि टाइगर कैसा है। ये लग तो बड़ा छोटा सा है, लग रहा है टाइगर का बच्चा है फिर ये। हाँ वही है टाइगर का बच्चा ही है। और आवाज़ देखें इसकी कैसी भारी है, जो कि है छोटा सा और बाहर निकले तो वक्त डाल दे सबको। ये बच्चे सारे ऊपर चढ़ने हैं, इन्होंने खुद भी गिरना है और मार खाना है फिर मामा से। और इसी के आगे अभी जाएंगे वहाँ पर लाइन जो है, जो कि शेर को भी हमें अभी मिलेगा, और उसको पूरा इन्होंने पहाड़ जैसा, जैसे जिस तरह उनको खुश्क पहाड़ वगैरह में होते हैं उस तरह का सारा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। कोई कोई कैबिन या फिर इन्होंने जाल वगैरह नहीं लगाया हुआ, तो बिल्कुल ये दूर से ही नज़र आ रहा है। ये देखें जैसे रियल जिस तरह फिर रहा होता है डिस्कवरी वगैरह में जब देखते हैं ना, उस तरह। तो ये बहुत ज़्यादा दूर हूँ मैं, करीब होता तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, रियल लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और इसकी साइडों पे इन्होंने पानी रखा हुआ है कि बाहर मुश्किल ही है कि आए, सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करनी है। तो अब ये पांडा हाउस वगैरह हम देखेंगे दूसरी बिल्डिंग में, ये भाई हाई कर रहे हैं हेलो। तो दूसरी दूसरी वीडियो में जाके पांडा हाउस वगैरह
और उसमें जो जो केव वगैरह जो मैंने बताई थी कि रात का व्यू बनाकर जिस तरह उन्होंने जानवर रखे हुए हैं वो सारे दूसरी वीडियो में देखेंगे। और उसमें मैं कुछ नेचुरल फ्लावर्स और जिस तरह ये सारा जंगल का व्यू होता है वो भी दूंगा, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। तो ये मंकीज़ के बारे में कह रहा था कि मैंने इनकी काफ़ी ज़्यादा स्पीशी है तो ये अभी देखते हैं। अभी थोड़े बहुत तो इन्होंने बाहर रखे हैं और बाकी एक पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है और उस बिल्डिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पीशी पाई जाती है इसकी मंकीज़ की, अभी वो भी देखते हैं जाके। और ये टारन साहब भी नज़र आ गए, वाह जी वाह क्या बात है, फुल मज़े में जनाब जी। ये एक और तरह की स्पीशीज नज़र आ गई है हमें और इसके कलर्स चेक करेंगे, बॉडी भी कितने ज़्यादा डिफरेंट कलर की स्पीशी पाई जाती है। और ये अब हम आ गए हैं बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था ना वो वाली बिल्डिंग में आ गए। और ये जो जानवर अक्सर आपने जियोग्राफी पे देखा होगा कि बहुत स्लो जो मूव करता है ना, जिसकी मूवमेंट बहुत स्लो है वो है। अब ये सारा उन्होंने जंगल की तरह ही सारा बनाया है। ये डिफरेंट कैबिन बाय कैबिन है, यहाँ पे कॉन्ग कॉन्ग जो सुना था ना आपने, कॉन्ग जिनकी एज 1500-1600 साल से ज़्यादा होती है, ये वो वाला एरिया यहाँ से शुरू हो गया। लेकिन फ़िलहाल तो कॉन्ग नहीं है मैं नज़र आया यहाँ पे, अभी तो आगे कैबिन वगैरह में देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बिल्डिंग विजिट करेंगे और इससे इसके बाद मैं सेकंड पार्ट जो अपलोड करूँगा उसमें दूसरी चीज़ें जो मैंने पहले डिस्क्राइब की उसी तरह हम दोबारा देखेंगे। ये कोई एक तरह के ही बंदर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इनकी स्पीशीज़ है, मुझे तो ये पता है इन सब का तो खैर। लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट की बात करें तो हर तरफ मतलब हर चीज़ ऑर्गेनाइज की हुई है इन्होंने, एक अच्छी चीज़ है इन्होंने जिस तरह उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया है और उनके लिए जो खेलने के लिए जो अलग चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, एक अच्छी चीज़ है। बाकी हम इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा टूर्स करेंगे इन फ्यूचर, अब आगे भी मेरा प्लान है तो आप मेरी वीडियोस वगैरह को देखते रहिएगा, तो इसी तरह अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आगे भी बनाता रहूँगा। तो आज की वीडियो का तकरीबन यहीं पे इख्तिताम होता है और साथ ही साथ आपको बताता जाऊँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ सेकेंड वीडियो को आपने लाजमी देखना है और उस वीडियो को इंजॉय भी करिएगा, इंशाल्लाह वो जल्द भी अपलोड कर देंगे।
हाँ